चैत के महीने का, चैत के महीने का। लेकिन वास्तव में एक बात तो है भाई, हेजिटेशन अभी मेरे अंदर है, बहुत ज़्यादा है। मैं अभी भी उतने अच्छे से नहीं खुल पाया हूँ क्योंकि मैं उस लेवल पे अभी पहुँचा नहीं हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे को वहाँ तक पहुँचाएगा ज़रूर एक दिन। सो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसा कि मैंने आप सभी को बता ही रखा है, चैत के महीने में अपनी बहनों से मुलाकात करने के लिए, भेंट करने के लिए जाते हैं बिठौली देने। वैसे आज ददौर में जा रहे हैं, रॉबिन दौर में, अपनी बड़ी बुआ के घर बीसा बजेड़, जो कि लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ जा रहे हैं ददौर में, और सुनील दा की शादी है तो वहाँ के कुछ कार्ड भी हैं बीच में सलमुड़ा के, वो भी ले जाने। तो कार्ड वार्ड पकड़ते हैं फिर चलते हैं। तो ये देखो ददौर में जा रहे हैं। अरे काकू काकू अपने चचा वैसे बहुत स्मार्ट हैं बचपन से। अब यार कौन से एंगल से बुढ़े लग रहे हैं बताओ यार इनको, ये बुढ़े लग रहे हैं कैसे, मारना मत यार चचा। तो चलो सफर दिखाते हैं, सफर में बनो हमारे साथ 20 बजे तक। बाय, मिस यू टू। चलो भाई हम पहुंच गए वड्डा मार्केट, और यहाँ से दादा ले रहा है सतोड़ी स्वीट से मिठाइयाँ मुँह मीठा कराने के लिए। तो वाईफाई नेटवर्क है ये देख भी रहा है, ब्लॉग बन रहा है, देख भी रहा है अगला भाई। तो चलो मिठाई विठाई लेते हैं और जो सामान है वो लेते हैं फिर 20 बजे। फाइनली दोस्तों हम लोगों ने वड्डा से अपना सामान ले लिया है और अब हम चले 20 बजे की ओर अपनी बुआ के घर बिठौल देने। कैसा लग रहा है भाई? बढ़िया। क्या हुआ? तो सामान वामान सब ले लिया है वड्डा से ना, जो जो ले जाते हैं बिठौल में। और अब चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सफ़र, सफ़रनामा, मोटो ब्लॉग करते हैं। माउंट आउंटेन लाए फिलहाल, लेकिन जो भी है सही है। लेट्स गो। ये दबंग 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 ओए तू, इतने सारे बंदर आ रहे हैं ना भाई यहाँ, तुम्हारे जैसे हमारे जैसे। ये चेक करो भाई बंदर बहुत सारे पीछे। और देखा जाए तो आज जगह 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 पर ना आर्मी के जवान और उत्तराखंड पुलिस के जवान। तो ये पहुंच गए हम गुरुद्वारा साहिब पिथौरागढ़, देख सकते हो मेरे पीछे। और जगह जगह जैसा मैं बता रहा था आज आर्मी के और पुलिस के जवान खड़े हैं। तो इससे ये लगता है कि कोई वीआईपी शायद आ सकते हैं आज पिथौरागढ़ शायद, क्योंकि ज़्यादा मेरे को खास मालूम नहीं है, क्या पता हैं तो भाई आ सकते हैं। बढ़िया से ना फुल। और ब्लॉग कैसा लग रहा है आज का? तो कुछ स्पेशल होने वाला है, बताना यार कमेंट करके बताना कि मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है ब्लॉग में, कैसा हो रहा है भाई, शूट सही हो रहा है या नहीं। देख सकते हो एक आर्मी के जवान, यहाँ पे पुलिस के जवान सब लग रखे हैं। और मेरे ख्याल से नैनी सैनी एयरपोर्ट जो यहाँ से पड़ता है लगभग 1 किलोमीटर अंदर, तो शायद कोई वीआईपी आ रहे हैं आज हेलीकॉप्टर से फुल वीआईपी सेवा लेते हुए। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं एपीएस स्कूल के पास, देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सुंदर, मतलब पिथौरागढ़ के सारे जितने भी राइडर हैं ना उन्होंने अपनी बाइक खींच रखी है इस वाली रोड में, क्योंकि पिथौरागढ़ में एकमात्र यही रोड है जो मतलब एकदम सीधी है काफ़ी, मतलब खींचने के लिए ना। तो ये चेक करो पहले चेक। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जांजर देवल आईटीबीपी कैंपस के पास में। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि एक कोई वीआईपी ही आ रहे होंगे, इतनी जो फोर्स लगी हुई है आज, तो पता चला कि जो इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल हैं आज वो आए हुए हैं पिथौरागढ़। फील्ड मार्शल थल सेना के मतलब काफ़ी हाई रैंकिंग पोस्ट, मतलब हाई रैंकिंग पे रहते हैं, जो कि जनरल चीफ ऑफ जो आर्मी होते हैं उनसे भी सीनियर होते हैं, जिनके शोल्डर पे 5 स्टार होते हैं। तो आज वो आए हुए हैं पिथौरागढ़, इसीलिए हर जगह मैं बोल रहा था ना, जैसे पुलिस उत्तराखंड पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान लगे हुए हैं, वो सेफ्टी के लिए लगे होंगे। तो नैनी सैनी में उनका हेलीकॉप्टर जो हेली है लैंड हो रखा है वहाँ पे, वो तो उनका होगा कुछ सीन में। तो ये चेक कर सकते हो, हम पहुँचे हैं अभी यहाँ जांजर देवल आईटीबीपी कैंपस के पास। कटी दो रोड, एक चली ऊपर धारचूला डीडीआर मुंशियारी को, और ये भी थल मोहानी मुंशियारी को ही जाती है। आगे जाके दोनों रोड मिल जाती है, ये काफ़ी दूरी है, दूराई पर।
और भाई जब हम बिसावछेड़ को जाते हैं ना, मतलब इस वाली रूट में जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये भाई इतना प्यारा लगता है ना मेरे को, इतना प्यारा, काफी प्यारा यार ये वाला एरिया ना, बहुत सही है यार, बहुत सही। ये चेक करो, ऐसा क्यों? और भाई हमेशा की तरह ना वही वाला सीन, मतलब मोटो ब्लॉग वाली सीरीज इतनी सही जाती है ना, उसमें व्यू बहुत अच्छे पड़ते हैं और आप लोगों का प्यार ही बने रहता है यार, इससे ज़्यादा क्या ही कहूँ, दिल से शुक्रिया आप सभी का। ये देखो भाई कितना सही है व्यू, पहाड़ों के ये हसीन नज़ारे। तो हम जा रहे हैं वहाँ के यहाँ बिटोला, तो हम वड्डा से सामान ना ला के हमने कहा चलो यार वहीं से ले लेंगे भी सब्जीड़ दुकान से। तो यहाँ पर आए हैं जो कि राशन वाशन ले जाते हैं ना, आटा चावल मांस तेल वो सब, तो यहाँ पर दुकान से लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे को। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, शायद और लोग भी जा रहे हैं तभी। तो हम रुके थे यहाँ पे बिस्सा, जैसे कि दिखाया मैंने, दुकान से हमने लिया सामान वामान जो कि बिटोली में जाता है, तेल चावल राशन का वो सब ले लिया, और थोड़ा एक किलोमीटर नीचे बुआ का गए, चलते हैं आजकल रोड वहीं तक, पहले यहीं से नीचे को पैदल जाते थे यहाँ से रास्ता था, लेकिन अब गाड़ी की पूरी व्यवस्था हो गई है नीचे तक, दिखाता हूँ आगे को क्यों। तो ये है गांव भीसा और नीचे है बजेड़, पहले रास्ता यहाँ से पैदल रास्ता था जो कि यहाँ से नीचे बुआ के घर को जाता था, लेकिन आजकल आगे से है और यहाँ पे केलपाल देवता का मंदिर है जय प्रभु। तो ये देखो भाई जो मैं बोल रहा था ना, जो जगह मेरे को यहाँ काफ़ी प्यारी लगती है, ये वाला अड्डा भाई, ये वाला अड्डा रोड से थोड़ा साइड में, और यहाँ से बुआ जी का घर है, नीचे जो रोड दिख रही है इधर से आगे आगे वो उधर स्कूल के आसपास कहीं वहाँ पे को हमको जाना है इधर इस वाले एरिया में। लेकिन याली जो लोकेशन है ना इतनी प्यारी, एक बार यहाँ से अगर आगे का व्यू दिखाऊँ ना काफ़ी बेहतर यार, मतलब यहाँ के ना एक अलग सा ही सुकून मिलता है, पता नहीं क्या है। तो इस रूट से मैं जब भी क्रॉस होता हूँ तो यहाँ पे रुकना मेरा काम है भाई, रुको और यहाँ पे बैठ जाओ थोड़ी देर और यहाँ से एक बार व्यू चेक कराऊँ तो काफ़ी सही आगे दिखाऊँ। ये चेक करो भाई यहाँ से इतना प्यारा व्यू आता है ना, और ये नीचे गांव, यहाँ का नाम है क्या, पैकट्या, पैकट्या चामा बीसा बजेड़ डोबरा, काफ़ी देखो बहुत से गांव हैं इधर इस बीच और काफ़ी अच्छी जगह है। तो दो मिनट यहाँ पे हमने रुके आराम किया, अब चलते हैं और निकलते हैं सीधे उधर वो आके घर के ऊपर। और ये है गांव पैकट्टा, यहाँ पे एक बार आते हैं यहाँ पे आने वाली मामा की। क्या सही जगह है यार ये, इधर पे पानी का स्रोत भी है, झरना जैसा, ऊपर से पानी आना, सब साल भर पानी आता है इधर, मतलब साल भर पानी आता है, जब भी मैंने देखा था आता है। चलो भाई फाइनली हम पहुंच गए बुआ के घर, और यहाँ काफ़ी भीड़ है, मतलब क्योंकि जो बड़ी वाली भाभी हैं उनका भी आज बिटोला आने वाला है, तो बना रहे हैं लोग फंक्शन सेल पूरी लॉन क्या क्या होता है सब कुछ। हाँ मस्त सेल पूरी लॉन वन बना रखे हैं यार, आते ही लंच कट। ये देखो